तो निजाने गिरामी ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक मजलिस में कितने सवाब हासिल हो रहे हैं। ये अली कहने का सवाब भी है, दुरूद पढ़ने का सवाब भी है, मोमिन से मिलने का सवाब भी है। हदीस में आया कि जब दो मोमिन आपस में मुलाकात करते हैं तो इन दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। फिर का अल्लाह ताला 70 सवाब अदा करता है, 70 69 उसके लिए कि जिसके दिल में ज्यादा मोहब्बत थी पहले के लिए। अभी हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। इसलिए जब भी मिले तो बड़े खुलूस से मोहब्बत से मिले। हमारे यहाँ तो सलाम भी दुनियादारी तक महदूद हो गया है, सलाम एक इबादत है। अब अगर किसी ने ऐसे बेचारे सादा आदमी ने सलाम किया, हम 1.5 इंच की गर्दन हिला दी हमने, हाँ ठीक है, करीब ही ना आ जाए, करीब किसी बड़े आदमी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारा तो मिजाज भी सलाम भी हम दुनियादारी को देख के करते हैं, अल्लाह की खातिर जो हाथ मिला, 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 हाय हाय हाय। मिलके सलावत भेजते नाम हैदर करार अली जितने अभी ताले पर अली। लिहाजा एक मजलिस में आने से ये शजरे तैयबा का सदका है, शजरे तैयबा का सदका है, खुदाई का सदका। देखो शजरे तैयबा का लफ्ज हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये कुरान का लफ्ज है।